सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। और आज हम इस प्राइम 400 का रिव्यू करने वाले, तो रिव्यू वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों ये रही हमारी ट्रायम स्पीड 400। ओहो पावर तो भाई गजब है इसमें, क्या बाइक है यार। ब्रॉड देखिए, हैंडल बार्स बहुत ब्रॉड है भाई इसके। क्या पिकअप है यार इसका तो भाई, ये तो ओहो ये देखिए क्या भाग रही है। चौथे गियर पे हूँ मैं अभी इस वक्त और 60। ओहो क्या बात है भाई साहब, गजब पावर है, गजब मजा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। ओए होए 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 होए, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ गियर पे हूँ और बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब थर्ड गियर पे सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट कर दिया मैंने और अब बिल्कुल ही फर्स्ट गियर पे आ गया हूँ मैं। अल्टीमेट फीलिंग आ रही है यार इसको चला के। अगर भाई आप लोगों को कोई अगर बाइक लेनी है तो यार ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ फिलहाल ट्रायम से, क्योंकि भाई ख़तरनाक बाइक है। थोड़ा तो ओवरटेक करते हैं। मुझे बाइक के अंदर हल्की फुल्की सी जो हीट है वो थोड़ी सी महसूस हुई है, वो भी फुटपैक्स वाले एरिया पे, लेकिन अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो खतरनाक खतरनाक, ये गड्ढे देखते हैं यार, गड्ढों का तो पता ही नहीं चल रहा इस पे। चला के इतना मजा आ गया यार, तो सोचो अगर डेली राइड पे अगर मैं इसको यूज करूंगा तो और कितना मजा आने वाला है मुझे ट्रायम्स की डेली राइड पे। और अभी यहाँ से एक टर्न बोला है, सिग्नल दिया है इन लोगों ने। यार मैं ओहो इतना मज़ा आ रहा है भाई, मज़ेदार है यार। और मैं अभी अपना फेवरेट कलर चला रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं बुक करूँगा तो शायद मैं इसको ब्लैक या कोई और ही कलर बुक करूँगा, लेकिन बहुत अल्टीमेट है यार ये। मतलब मैं इसको फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं अच्छे से इसको मैनेज कर पा रहा हूँ। अरे हाय हाय क्या बात है क्या बात है। यहाँ के साथ के जो राइडर्स हैं ये वो है, ओहो क्या बात है भाई क्या बात है। तीसरे गियर पे 60, ओहो हो भाई बहुत स्मूथ, भाई बहुत सूदिंग साउंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग साउंड है जो कानों को है क्या बोलते हैं इसे, सुकून प्रदान करने वाला साउंड है। ओए होए भाई साहब, खतरनाक है भाई, ये अलग लेवल की क्रेजीनेस बना दी भाई ट्रायम ने और बजाज की पार्टनरशिप ने। ये 398 सीसी की बाइक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली, वो उल्टा आपको बहुत मज़े देने वाली है। और ये हाईवे टूरिंग्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट बाइक हो सकती है अगर आप इस पे जाते हैं तो। भाई मेरा तो इस बाइक ने पर्टिकुलरली दिल जीत लिया, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा मुझे इसे चलाने में मज़ा आ रहा है। ओहो क्या साउंड है इसका, रेव करने में इतना मज़ा आ रहा है। और ये हल्की सी सिर्फ रेस देते ही सीधा उठ रही है और भाग रही है, क्या अल्टीमेट मज़ा आप सोच सकते हो। और ये देखिए साथ के बंदे भी अभी अपने, यहाँ से थोड़ा सा देख के निकालनी पड़ेगी अपने को। और यहाँ से ये वाले भाई ने हमें इशारा किया इधर, क्योंकि हमें फॉलो ही इनको करना है। भाई ने इशारा किया इंडिकेटर देके राइट का, तो मैं पीछे रह गया पर्टिकुलरली। बहुत पावर है भाई बहुत पावर है, शायद 80-100 के आसपास ही अभी तक चली गई थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये बाइक तो सिर्फ ऐसी है, खुद आपको कहती है कि भाई आप मुझे बैठो और भगाओ।
80, क्या बात है क्या बात है। 80 मैंने अभी इसको टच किया है, शायद मेरे जो साथ के राइडर है वो 100 टच कर चुके होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन पांचवे गियर पे भी मतलब बहुत ही प्यार से चल रही है बाइक, एज सच कोई मुझे इश्यूज फेस नहीं हो रहे हैं अभी। लगता है कि हाँ भाई बिग डैडी बाइक आई है मार्केट में ट्रायम को देखने के बाद। गारंटी बेस है इसका, जो बेस जो लोग कुछ लोग कह रहे थे उनको बेस पसंद नहीं आया, भाई पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद आया इसका पर्टिकुलरली बेस, खतरनाक है भाई ये, इतनी पावरफुल मशीन है ये 400 सीसी के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि भाई बस भगाओ। होए होए होए, हट जाओ भैया हट जाओ। भाई क्या ही चला रहा हूँ मैं, क्या ही चला रहा हूँ, इससे शायद ही कोई पावरफुल बाइक 400 सीसी में अभी तक मैंने चलाई है। डोमिनार मैंने चलाई है, डोमिनार में भी बहुत पावर है भाई, बहुत पावर है, लेकिन डोमिनार थोड़ी सी भारी हो जाती है और ये बिल्कुल हल्की सी, और मैं इसको इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ओहो हो, एक गियर और सीधा मुझे ऋतिक रोशन वाली फीलिंग आ रही है भाई।